ये है हल्दीराम का सड़ा हुआ लोकल ब्रांड, प्रभु जी का आम पन्ना, कहाँ है लिखा हुआ है ना, आम पन्ना रिफ्रेशिंग संबल स्प्लैश, और एकदम क्या कहते हैं उसको, गाढ़ा इसका एकदम ये है। इसमें लिखा होता है 1 in 5 डालने के लिए, लिखा भी होगा देखो, लिखा ना 1 part आम पन्ना विथ 5 part वाटर और आइस क्यूब के साथ। तो बाकी लोगों को टेस्ट कराया ना, सबका ये कहना था कि ये बहुत आर्टिफिशियल है, बड़े से बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था देख के, मतलब टेस्ट करके, कि प्रिजर्वेटिव बहुत है। मेरे साथ दूसरा प्रॉब्लम, मेरे को ये आम पन्ना नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है मीठा है कुछ, मतलब मीठा इसमें इतना ज़्यादा है ना कि जो आम का खट्टापन होता है या वैसा कुछ होता है ना, कि हाँ भाई ये कच्चा आम का या आम पन्ना है, वो फ्लेवर ही नहीं है। ऐसा लग रहा है मीठा आम का, मतलब ऐसा लग नहीं रहा है कि आम है, ऐसा लगता है कि आम का ऊपर से ना फ्लेवरिंग कर दिया है, मीठा बहुत ज़्यादा, मीठा ज़्यादा है। बाकी सब फ्लेवर जितना इसमें लिख रखा है कुछ नहीं पता चलता है ना, ये रॉक सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट, क्यूमिन, ब्लैक पेपर, जिंजर, अजवाइन, मिंट, जितना है ना ये सब कुछ नहीं पता चलता। इसमें पता चलता है शुगर, इसमें पता चलता है सारा ये जितना आर्टिफिशियल जितना चीज़ है, पता नहीं ऐसा क्यों है, लेकिन ये है। तो नॉट रिकमेंडेड और रियली नॉट वर्थ द मनी। कितने का है, 100 है कि 180 है, समझ में नहीं आ रहा, 0.25 per gram, और बेच रहे हो ml में, फिर ग्राम पे क्यों दे रहे हो, मेरे ख्याल से 180 है, रियली नॉट वर्थ 180 rupees, 180 लग रहा है, 0 तो अलग तरह का है, खैर जो भी हो, ना ये 100 रुपये का लाएगा ना ये 180 का लाएगा, है ना। ऑनेस्टली बना हुआ आम पन्ना रोड साइड मिल जाए या घर पे बना लो, ये नॉट वर्थ है। अब मेरा मन भी नहीं कर रहा इनका बाकी आइटम ट्राई करने का, प्रभु जी का।